दोस्तों, मैं फजल हुसैन अपने चैनल में आपको इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 11th साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट पेपर। ये 2023 में हुआ था। इसकी क्वेश्चन पेपर सीरीज है ए। तो ये टेस्ट पेपर दो लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश और हिंदी में। हम आपके सामने हिंदी मीडियम के मैथ पोर्शन का सोल्यूशन लेकर हाजिर हैं। टेस्ट में 35 गणित के, 35 साइंस और 30 जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। तो 51 से शुरू होता है मैथ पोर्शन। इसमें मैथ का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो ये संख्याएं हमारी दी गई हैं, इनमें अपरिमेय संख्या बताना है। तो इसमें पहले ऑप्शन में दी गई है 0.25425425454। इसमें दशमलव बाद जो है डिजिट वो रिपीट हो रहे हैं, 254254254, तो ये संख्या परमेय होगी। 22/7 ये परमेय है। अगली जो सी विकल्प में संख्या दी गई है, अपरमेय संख्या कहलाएगी। डी विकल्प में है परमेय है, तो ए बी और डी परमेय। सी जो विकल्प में संख्या दी गई ये अपरमेय संख्या है, तो सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में यदि ए बड़ा है बी से और सी छोटा है जीरो से, तो निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो ए बड़ा बी से है और सी छोटा जीरो से है, तो इस सी को दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए सी और बी सी ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये बड़ा था ए, अब ए सी जो है छोटा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है। अब इसमें सी को दोनों साइडों में जोड़ दिया गया है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये बड़ा ही रहेगा, दोनों में घटा दें या जोड़ दें। लेकिन ए में से सी घटाया और बी में सी घटाया, तो ये ए माइनस सी ही बड़ा रहेगा, न कि छोटा हो जाएगा। तो ये जो सी विकल्प में दिया गया ये असत्य है, तो सी विकल्प ही हमारा सही है। अगले प्रश्न में 12 टाइपिस्ट 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके पुस्तक को 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो 12 टाइपिस्ट हैं, 4 घंटे रोज काम कर रहे हैं, 18 दिन में वो समाप्त कर देंगे। तो कितने दिन में, यानी दिनों की संख्या हमें निकालनी है। 4 टाइपिस्ट 8 घंटे काम करके उसको टाइपिंग काम को समाप्त कर देंगे। तो टाइपिस्ट संख्या 12 है, तो 18 दिन में काम करते हैं यानी कंप्लीट करते हैं। तो 4 टाइपिस्ट होंगे, टाइपिस्ट संख्या कम होगी तो टाइम जो है अधिक लगेगा। इसके लिए 4 घंटे रोज काम करते हैं तो 18 दिन करते हैं तो टाइम जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा विलोमानुपात है, इसको हम करेंगे एक्स अपॉन 18, यानी इसको ऊपर ले लेंगे, ये सीधे सीधे रखेंगे। तो 12/4 × 4/8, तब ये 8 भी, ये 18 भी इधर पहुँच जाएंगे, तो एक्स बराबर रह जाएगा 12 × 4 × 18/4 × 8। 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गए, 4 से 4 दुनिया 8, 4 दिए 12, 2 निम 18, 9 और 3 ये आ गया हमारा टाइम, 9 दिया 27, यानी अब ये काम 27 दिन में समाप्त हो जाएगा। 27 है हमारे ए विकल्प में, तो ए विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में है, दो अंकों की संख्या था, अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग है, ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभावित हैं? तो दो अंकों की संख्या को हम मान लेते हैं 10x + y है, जहां x और y ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। अब इसका अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या कौन सी होगी? ये हो जाएगी 10y + x। अब इनको अगर हम जोड़ दें, 10x ये और x ये 11x हो गया, अब ये 1y और 10y ये हो गया 11y। ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है, 11 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 11 × 10x + y। अब ये जो 11 × x + y है, तो ये पूर्ण वर्ग कब होगी? जबकि 11 तो ये आ गया है, x + y भी 11 के बराबर हो, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब ये 11 हो जाए x + y, तो इसके कितने संभावित उत्तर हो सकते हैं? तो इसमें एक 3 हो, ये 8 हो, तो ये 11 हो जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये 4 हो और ये 7 हो, ऐसे ही ये 5 हो, ये 6 हो, इसी तरीके से ये 6 हो, ये 5 हो, और ये 7 हो, ये 4 हो, और ये 8 हो, और ये 3 हो,
ये 9 हो और ये 2 हो तब भी ये मुमकिन है। इसी तरीके से ये 2 हो और ये 9 हो तब भी ये मुमकिन है, ये दोनों 11 हो जाएंगे। ये 10 होगी तो फिर ये संख्या क्या हो जाएगी, दो अंकों की संख्या नहीं रहेगी। तो ये हो गए संभावित हमारे संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 जो है वो संभावित संख्याएं हैं जो संख्या को उनके अंकों का भाग बदलने पर प्राप्त संख्या का योग जो है वो पूर्ण वर्ग होगा। तो डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में समीकरण x+2y+5=0, 3x-6y+1=0 कि कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे इसका पता करने के लिए हम इसके x का और y और अचर पद के जो गुणांक हैं इनका रेशियो निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा a1/a2, ये आ जाएगा 1/3, b1/b2 ये आ जाएगा 2/6, और 2 से ये काट दें, 2 × 2 = 6, और c1/c2=5/1। इसमें देख रहे हैं हम a1/a2 = 1/3 आया, b1/b2 = 1/3 आया है, तो ये आ रहा है हमारा a1/a2 = b1/b2 नहीं है c1/c2। तो ये दोनों x और y के गुणांकों का जो रेशियो है वो बराबर आ रहा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा।